हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस मटर पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे बनाना बताऊंगी और इसे आप कुकर में बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी। तो इस रेसिपी को इस मेथड से ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इजी है बनाना इसे और बहुत ही डिलीशियस और यमी ये बनकर तैयार होता है। आइए देखते हैं मटर पनीर की आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। इसे मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। 1½ कप मैंने हरी मटर के दाने लिए हैं और 3 मीडियम साइज़ की टमाटर लिए हैं। इसे मैंने क्रश कर लिया है, आप इसे बारीक पीस भी सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है और ये कुछ पाउडर्ड मसाले लिए हैं। इसे मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसे मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीक कट कर लिया है, जैसे ऑमलेट की प्याज कट करते हैं। और 2 टेबल स्पून मैंने हरी धनिया लिया है, इसका इस्तेमाल हम गार्निशिंग में करेंगे। और इसे बनाने के लिए हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, आप इसे घी में भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर एक प्रेशर कुकर रखा है और उसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम पनीर के पीसेस को इसमें डालकर और गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। हम इस सब्जी को कुकर में ही बनाएंगे। ये पनीर फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे और ऐसे ही हम सारे पनीर को फ्राई कर लेंगे। ये मैंने पनीर को प्लेट में निकाल लिया है और ऐसे ही मैंने सारे पनीर को फ्राई कर लिया है। अब हम वापस से कुकर लेंगे। मैंने वही कुकर लिया है, आप दूसरा भी ले सकते हैं। अब उसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें प्याज डालकर सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये हमारी प्याज सुनहरे कलर की फ्राई हो गई है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे हम 1.5 से 2 मिनट तक भून लेंगे, जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। ये हमारे अदरक लहसुन भी भून गए हैं। अब हम इसमें सारे पाउडर मसाले ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे हमारे मसाले जले नहीं और हम इसे भी 1.5 से 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेंगे। ये हमारे मसाले भुन गए हैं। इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे जो मैंने बारीक क्रश करके रखा था और इसे भी मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक ये सारी चीज़ें भुन नहीं जाती और मसालों से तेल सेपरेट नहीं हो जाता। ये हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसे मटर ऐड कर देंगे और इसे भी मसालों के साथ 1.5 मिनट तक भून लेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए हम इसे भून लेंगे। ये हमारे मटर भी भून कर तैयार हो गए हैं। अच्छी तरह से मसालों के साथ सारी चीजें आपस में अच्छी तरह से भुन गई हैं। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसकी लिड लगा देंगे और इसे हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने देंगे। फिर हम गैस की फ्लेम लो करके इसे 1 मिनट तक कुक करेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम कुकर का वेट उठाकर इसका प्रेशर रिलीज करेंगे। ये मैंने कुकर को एक प्रेशर आने के बाद 1 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक किया है। फिर मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और मैंने इसका वेट उठाकर इसका प्रेशर रिलीज कर दिया है। अब हम कुकर को खोल कर रखेंगे। वापस से हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसे एक मिक्स देंगे। फिर हम इसमें जो मैंने पनीर तल कर रखा था फ्राई करके वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके गैस की फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसकी लिड लगाकर इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे। लिड को हम थोड़ा सा हल्का सा खुला रखेंगे, पूरा ढकेंगे नहीं कुकर को, और इसे हम 5 मिनट तक कुक करेंगे। ये हमारी मटर पनीर को कुक होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। ये हमारी डिलीशियस मटर पनीर झटपट तैयार हो गई है, आसानी से प्रेशर कुकर में तैयार हो गई है। इसमें हरी धनिया ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे सर्व करेंगे। ये हमारा यमी टेस्टी डिलीशियस मटर पनीर बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से ये कुकर में बनकर तैयार हो जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही यमी और डिलीशियस आता है। तो इस मेथड से आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। इसे आप रोटी के साथ, राइस के साथ सर्व करिए। इस मेथड से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड को खिलाइए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।